नमस्कार जी, आज हम जगजीत रीपर के साथ हैं। आज हम आपको जगजीत रीपर के आरपीएम की सेटिंग के बारे में समझाएंगे कि कैसे इस थ्रेशर की सेटिंग करके आप अपने ट्रैक्टर को आसानी से चला सकते हैं। आपको मालूम है कि जो ट्रैक्टर हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, जॉन डियर है, महिंद्रा है, स्वराज है, प्रीत है और भी कई अलग अलग टाइप में। इनकी पीडीओ के चक्कर जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, इसीलिए रीपर के आरपीएम और ट्रैक्टर के आरपीएम मैच करके फिर रीपर आपका आसानी से चलता है। आज हम आपको ट्रैक्टर के आरपीएम से कैसे मशीन मैच करते हैं वो बताएंगे। हमने इसमें ट्रैक्टर का मुद्दा ही ख़त्म कर दिया है, हमने पीडीओ के चक्कर ले लिए हैं, पीडीओ के चक्कर से उसके बाद हमने एक चार्ट बना दिया है जिससे हम हमारे रीपर की सेटिंग आपको बताएंगे। पहले हम रीपर के ट्रैक्टर के आरपीएम देखते हैं हमारे। ट्रैक्टर को पहले स्टार्ट करके इसका पीटीओ वाला गियर लगा लेंगे। पीटीओ वाला गियर लगा के इसकी रेस हम 1700-1800 पे कर लेंगे। नॉर्मल ट्रैक्टर जो होता है वो 1700 रेस पे चलता है, ये रीपर जो ट्रैक्टर के आरपीएम है वो 1700-1800 पे हो गए। अब इसके पीटीओ के चक्कर चेक करते हैं। इसकी पीटीओ के चक्कर चेक करने के लिए हमने जो पुली वाला गियर है वो लगा दिया। यहाँ पे आरपीएम मीटर लगाएंगे ऐसे, ये 387-388 इसके पीटीओ के चक्कर आ गए। अब ट्रैक्टर का मुद्दा हो गया ख़त्म। हमने हर ट्रैक्टर, जो भी ट्रैक्टर है उसकी सिर्फ पीटीओ के चक्कर नोट करने हैं। ट्रैक्टर का मुद्दा हमने ख़त्म ही कर दिया है। ट्रैक्टर की पीटीओ के हिसाब से उसके बाद ये कवर उतरेगा इसका मशीन का। ये कवर को उतार के, ये दो पुली हैं, ये गियर की पुली है और ये थ्रेशर की पुली है। जो गियर की पुली है, हमारा जो गियर है इस बार हम 20 मॉडल में जो गियर लगा रहे हैं वो 20-15 का लगा रहे हैं। इट मीन्स इसको हम सादी भाषा में सवा का गियर भी बोल देते हैं, ये 20 का सवा का गियर है। अब हम एक चार्ट देंगे आपको, ट्रैक्टर की पीटीओ उसमें मेंशन की होगी कि अगर पीटीओ के चक्कर इतने हैं तो यहाँ पे पुली इतनी लगेगी, यहाँ पे पुली इतनी लगेगी, तो आपके रीपर के थ्रेशर सेट हो जाएंगे। अब हमारे रीपर की पुली का बता दूँ, जो बदलनी बहुत ही आसान है, इसके सिर्फ यहाँ पर 4 बोल्ट हैं। इस 4 बोल्ट को हम लूज़ करके हमारी पुली ऐसे ही निकल आती है। ये अभी हम आपको करके दिखाते हैं। इसकी पहले बेल्ट उतार दी जाएगी, उसके बाद ये 4 बोल्ट खुल जाएंगे। इस तरह से तीनों बेल्ट उतर जाएंगी और ये चारों नट निकाल के, जो ये बुश टाइप पुली है इसका बुश फ्री हो जाएगा और ये निकल जाएगी। और क्या हाल है भाई, पहला शेंगा वीडियो बना रहे हो मेरे लिए। ये पुली बिल्कुल फ्री होगी, दूसरी तरफ नट लगा के हमने लगा दिया, ये पुली बुश ऐसे आसानी से पुली निकल जाती है। सबसे आसान पुली बदलने का जो झंझट था, क्योंकि बुश को ठोकना पड़ता था फिर पुली निकाल, वो सबसे आसान कर दिया है। बुश है इस पर, बुश को अब नट कस दो, उसके बोल्ट कस दो, बोल्ट कस के वो पुली आसानी से निकल जाएगी। तो उसके बाद हमारा एक चार्ट है जो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर देंगे, उस चार्ट से इस हिसाब से बना होगा हमारी पुली बनी होगी।
ट्रैक्टर की पीढ़ियों के हिसाब से ये थ्रेशर वाली पुड़ी जो बड़ी होगी वहाँ पर बो डालनी है आपने। पीछे ये गेयर वाली पुली बड़ी होगी, ये बड़ी पुली होगी, जो पीछे वाली है वो छोटी पुली होगी, वो पीछे छोटी पुली डलेगी। अब पुली ऐसे ही डल जाती है, मान लो इसके 390 चक्कर आए थे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे जो इस पर पुली ऐसे ही लग जाएगी। आप पुली लगा के दिखा दो एक बार, इसकी जो कटर है उसकी सेटिंग करके आप पुली ऐसे ही अंदर चली जाएगी, उसके बाद ये बोल्ट चारों टाइट हो जाएंगे। इसके बाद बेल्ट चढ़कर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी हम आपको आरपीएम चार्ट देंगे उससे उसके हिसाब से ट्रैक्टर की पीडीओ के चक्कर लेके आप हमारी मशीन के चक्कर सेट कर सकते हैं। धन्यवाद जी।